गुजरात में हाई वोल्टेज प्रचार का दिन, सुरेंद्रनगर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा हम सेवादार, वो कहते हैं औकात दिखा देंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में वीडियो वॉर, बीजेपी का टिकट के बदले 80 लाख का आरोप, आपने कहा सब झूठा खेल। यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद सरकार सख्त, आई के जरिए की होगी जांच, गैर मान्यता प्राप्त पर एक्शन का खाका। श्रद्धा मर्डर में आज आफताब का नहीं होगा नार्को टेस्ट, ड्रग कनेक्शन में भी जांच, जबड़े का हिस्सा और हड्डियां बरामद। और मंगलुरु ब्लास्ट में तफ्तीश हुई तेज, आरोपी शारिक के आईएसआईएस कनेक्शन ने खुलासा, प्रेशर कुकर बम से धमाके की साजिश थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अर्पिता जी हमारे साथ हैं, हमारे बाकी साथी हमारे साथ हैं, लेकिन आफताब का नार्को टेस्ट आज नहीं होगा। अर्पिता जी, तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं से अभी गुजरना होगा। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य, और जैसा सर बता रहे थे नार्को टेस्ट आज नहीं होना है, हालांकि मेडिकल टेस्ट उसका जरूर होना है। इसी के साथ साथ सर नए नए खुलासे हो रहे हैं, मोबाइल फोन मिले हैं, और ये बताया जा रहा है एक से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल आफताब करता था। राजीव। थैंक यू अर्पिता। सही, नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ राजीव ढोंडियाल। पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और मेहरुल्ली के इलाके में पुलिस एक तालाब में सबूतों की तलाश करे कि कुछ तो सबूत मिले। मलिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मलिका मल्होत्रा, और एक और आज एक बड़ी खबर सामने आई है, श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के एक गांव में पहुंची है आगे तीश के लिए। अब रुक करते हैं शुभांकर का। शुक्रिया मलिका, राजीव, अर्पिता और सईद जी, और आप सभी ने श्रद्धा मर्डर केस को लेकर जानकारियां जो दी है उस खबर को हम दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूँ शुभांकर मिश्रा, और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। खबर जो है वो नार्को टेस्ट को लेकर है, क्योंकि नार्को टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई, लेकिन आज नार्को टेस्ट नहीं होगा। जब नार्को टेस्ट होगा, शातिर दिमाग डिकोड होगा,